सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम हर संभव प्रयास किया है। हम नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों में मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथियों, देश में जा रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे। वहीं अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। विश्व का कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तरह से देश में बढ़ रहा था उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाया था लॉकडाउन के लिए वह अति कारगर होता हुआ साबित दिख रहा है। इसी को लेकर के उन्होंने जो आज फिर एक नया कदम उठाया 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के लिए वह काफी सराहनीय है। हम चाहते हैं कि देश की जनता भी उसका पालन करे और घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जब तक लॉकडाउन नहीं रहेगा तो ये बीमारी आगे फैल सकती है, क्योंकि यह लॉकडाउन होगा तो सब अपने अपने घर में रहेंगे तो बीमारी को रोक लगी रहेगी। अगर हम सड़कों पे ही घूमते रहेंगे तो बीमारी आगे से आगे चलती रहेगी, ऐसे तादाद बढ़ जाएगी मरीजों की। ये बहुत अच्छी बात है, ये लॉकडाउन अच्छी चीज़ है, ये किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। थोड़े दिन की परेशानी जरूर है, लेकिन अगर परेशानी हम भोग लेंगे तो सुख भी हम ही पाएंगे। मेरा नाम जोगा सिंह।